रशियन साम्राज्य, रोमन साम्राज्य, भारत का साम्राज्य, ये सारे के सारे शासक और शासन समाप्त हुए क्योंकि हर एक को किसी न किसी की कमजोरी पता लग गई थी। भगवान राम ने भी रावण को मारा तो उनको कमजोरी पता चली थी। कॉम्पिटिटर की ताकत और कॉम्पिटिटर की कमजोरी, बस ये दो बातें समझ गए तो 100 बार भी युद्ध में उतर जाना, 100 के 100 बार आपकी जीत होगी। ग्रंथ राज श्रीमद् भगवद गीता की तो आप सबका स्वागत है आज के अगले अध्याय में भगवद गीता के, गीता इन एक्शन। एवरीबॉडी गाइस कम ऑन, गीता इन एक्शन। गीता को अपने जीवन में कैसे उतारें, पहला अध्याय चल रहा है और आज हम पहले अध्याय का तीसरा श्लोक लेने जा रहे हैं और ये श्लोक दुर्योधन बोल रहे हैं। हमने इससे पहले चर्चा किया धृतराष्ट्र के श्लोक का, अब हम दुर्योधन की बात करेंगे कि दुर्योधन क्या बात कर रहे हैं और भगवद गीता का प्रारंभ होने जा रहा है। पश्यताम पांडुपुत्राणाम आचार्यम महतीम चमुम व्यूढ़ाम द्रुपद पुत्रेणा तब शिष्येण धीमता। तो यहां दुर्योधन कहते हैं, हे आचार्य पांडुपुत्रों की विशाल सेना को देखो। दुर्योधन किसको कह रहे हैं? द्रोणाचार्य को कह रहे हैं। किसको कह रहे हैं? हे आचार्य पांडु पुत्रों की विशाल सेना को देखो जिसे आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद के पुत्र ने इतने कौशल से व्यवस्थित किया है। पहले इस कहानी को समझने के लिए श्रील प्रभुपाद को हम धन्यवाद करते हुए उनके तात्पर्य को समझते हैं कि जो दुर्योधन थे वो इस समय एक परम राजनीतिज्ञ की तरह बात करने का प्रयास कर रहे हैं और अपने सेनापति द्रोणाचार्य से बात कर रहे हैं। द्रोणाचार्य केवल उनके सेनापति नहीं, उनके गुरु भी थे और उनको क्या कहते हैं? पश्यताम, देखो। किसको बोल रहे हैं देखने को? अपने गुरु को बोल रहे हैं देखने को। देखो द्रोणाचार्य, तुमसे बहुत भारी गलती हो गई है। द्रोणाचार्य सोच रहे हैं क्या गलती हो गई है। पश्यताम पांडुपुत्राणाम आचार्य महतीम चमुम, ये सारी की सारी सेना किसने सेट करी है? ये द्रुपद के पुत्र दृष्टद्युम्न ने सेटिंग करी है पूरी। और कौन था ये दृष्टद्युम्न? इसके पीछे एक हिस्ट्री है। दुर्योधन ये बात क्यों कर रहे हैं? हिस्ट्री ये है कि द्रोणाचार्य की और द्रुपद की बनती नहीं थी। द्रुपद कौन है? अर्जुन के ससुर जी, यानी कि द्रौपदी के पिता। द्रौपदी के पिता हैं द्रुपद, और द्रुपद और द्रोणाचार्य का आपस में पुराना झगड़ा था और उस झगड़े में द्रोणाचार्य से बदला लेने के लिए द्रुपद ने क्या किया? एक यज्ञ किया और उस यज्ञ से उनको मिले कौन? दृष्टद्युम्न। उनको प्राप्त हुआ एक ऐसा पुत्र जो कि आगे चल के वध करेगा। किसका? द्रोणाचार्य का। और द्रोणाचार्य ये बात जानते थे कि दृष्टद्युम्न आगे चल के, ये भी तो बच्चा है, आगे चल के ये मेरा वध करेगा। फिर भी एक अच्छा ब्राह्मण होने के नाते उन्होंने सारी शास्त्र विद्या सिखा दी। एक अच्छा ब्राह्मण क्या सिखाता है? वो ज्ञान देता है, अपना ज्ञान रोकता नहीं है। तो एक अच्छा ब्राह्मण होने के कारण, एक अच्छा टीचर, एक अच्छा मेंटर, एक अच्छा लीडर होने के कारण द्रोणाचार्य ने सब कुछ सिखा दिया दृष्टद्युम्न को, ये मानते हुए, ये जानते हुए कि आगे चल के ये मेरी मृत्यु का कारण बनने वाला है, क्योंकि ये किसका पुत्र है? द्रुपद का पुत्र है। ये जानते थे लेकिन फिर भी ट्रेन किया। और हुआ क्या? ठीक महाभारत का युद्ध होने से पहले दृष्टद्युम्न ने सामने जाके कॉम्पिटिशन का टीम पांडवों को ज्वाइन कर लिया और सारी की सारी टीम को व्यवस्थित किया कि पूरा फैलेंक्स, पूरा का पूरा यूनिट, सारे के सारे यूनिट्स, मिलिट्री आर्मी कैसे खड़ी होगी। और अब दुर्योधन चिढ़ रहा है उस बात को लेके। दुर्योधन को गुस्सा आ रहा है। दुर्योधन क्या बोल रहा है कि देखो कौन है ये तुम्हारा ही शिष्य, तुमने ही ट्रेन किया, तुम्हारे को मारने के लिए खड़ा हो गया। देख लो द्रोणाचार्य क्या किया तुमने ये। और बातों बातों में इशारा कर रहा है अब ये ना हो कि अर्जुन तुम्हारा फेवरेट शिष्य तो उसके लिए सॉफ्ट कॉर्नर लेके बैठ जाओ और बाद में अर्जुन को छोड़ दो। द्रोणाचार्य पहले ही तुम गलती कर चुके हो। क्या बोल रहे हैं कि पश्यताम, देखो। तो ये भाषा ही ऐसी है दुर्योधन की। जब युद्ध का प्रारंभ हो रहा है, युद्ध के प्रारंभ से पहले एक लीडर को चाहिए कि टीम को इंस्पायर करे, उनको एनकरेज करे, अपने गुरु का आशीर्वाद ले, अपने मेंटर से जाकर के। इस समय दुर्योधन को क्या चर्चा करनी चाहिए थी? आपको क्या लगता है दुर्योधन को भी क्या बोलना चाहिए था? चलो मान लो दुर्योधन को पता लग भी गया कि द्रोणाचार्य से ये गलती हुई, कि उन्होंने गलती कहे, माने या ना माने, लेकिन ऐसा तो हो ही गया कि अपने ओपोनेंट को ट्रेन कर दिया, अपने कंपटीशन को ट्रेन कर दिया द्रोणाचार्य ने। तो अब इस समय ताना मारने की जगह दुर्योधन को क्या करना चाहिए था? उनको पूछना चाहिए था, हे गुरु द्रोणाचार्य
मुझे लगता है क्योंकि आपको सब मालूम है कि किसकी क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेस है, आपने सबको क्लोजली ट्रेन किया है, तो बजाय ये बोलने के कि द्रोणाचार्य तुम इतनी गलतियां कर चुके हो, उन्हें कहना चाहिए कि गुरुदेव क्या आप मुझे बता सकते हैं इनकी टीम में क्या क्या कमजोरियां बाकी रह गई हैं, मैं कहां से इनको अटैक करूं, मैं कहां से शुरुआत करूं। कुरुक्षेत्र के युद्ध मैदान के अंदर आज अगर मुझे यह समझ में आ जाए कि इनके खिलाफ कौन कौन सी वीकनेस है, वो सोल्यूशन ओरिएंटेड क्वेश्चन अगर वो करते द्रोणाचार्य के साथ में, तो वो ज्यादा कारगर रहता। क्या मेरी बात समझ आ रही है? Yes, sir! शुरुआत ही गलत हुई, अपने विरोधियों की कमियों पे चर्चा करनी चाहिए थी, उनको ये पूछना चाहिए था कि इनकी वीकनेस का एनालिसिस करें, आपने मिलिट्री के कौन से सीक्रेट ऐसे बच गए जो उनको नहीं दिए, क्या ऐसा कोई तरीका है कि सामने से चेहरा दिखाऊं साइड से अटैक करूं, क्या ऐसा कोई तरीका है कि मैं अभी आपके साथ स्वॉट एनालिसिस कर लूं, स्ट्रेंथ वीकनेस अपॉर्चुनिटी थ्रेट उनकी क्या है और मेरी क्या है। क्योंकि जब जब युद्ध को जीता गया है, जब भीम ने भी दुर्योधन का वध किया या उसको मारा, तो उसको कमजोरी पता चली थी सामने वाले की कि दुर्योधन की जंगा पे अटैक करना है। जिस समय भगवान राम ने भी रावण को मारा तो उनको कमजोरी पता चली थी कि रावण की नाभि पे अटैक करूंगा तो बात बन जाएगी। सामने वाले की कमजोरी दुर्योधन को मांगनी चाहिए थी, पता करनी चाहिए थी, बजाय के कहने के लिए पश्यताम पांडुपुत्राणाम आचार्यम महतीम चमुम, क्या कर दिया तुमने आचार्य। ये उनको ये समझना चाहिए था कि मेरे गुरु की खुद की एक कमजोरी अश्वत्थामा है, उनका पुत्र, और जो आगे चल के वध का कारण बना, बोला अश्वत्थामा हाथी मारा गया और उन्होंने शस्त्र छोड़ दिए। ये बजाय चर्चा करने के हमारी क्या वीकनेस, उनकी क्या वीकनेस, हमारी क्या स्ट्रेंथ, उनकी क्या स्ट्रेंथ, लड़ाई से पहले वो उस समय द्रोणाचार्य को तंग करने में लगे, उनको धमका रहे हैं, एक प्रकार से सॉफ्ट तरीके से धमका रहे हैं उनको। भीम ने जरासंध का वध कैसे किया, जब कृष्ण ने उनको कमजोरी बताई, तीलियों को तोड़ के एक को यहाँ फेंका और एक को यहाँ फेंका, और तभी जरासंध को, उससे पहले भी तीन बार फाड़ा था भीमसेन ने, जिसके पास 10,000 हाथियों का बल है। ये जरासंध वही है जिसने 95 राजाओं को कैद कर रखा था, और 95 राजाओं के बाद 5 और राजा को कैद करके उनकी हत्या करके वो देवताओं को प्रसन्न करना चाहता था उस यज्ञ में, ताकि आगे चल के कृष्ण का भी वध कर सके। जरासंध, उस जरासंध को मारने के लिए भीम को वीकनेस नहीं पता थी, वरना जरासंध को कभी नहीं मारा जा सकता था। बचपन से कहानियां सुन रहे हैं कि जादूगर की जान उसके तोते में होती है, तोते को मारो तो जादूगर का गेम ओवर। सुनिए सब पिक्चरों में, यस नो? यस सर। सामने वाले को समझे, कॉम्पिटिशन को समझे, तो कॉम्पिटिशन एनालिसिस मैं पहले अध्याय के तीसरे श्लोक से सीखने के लिए आपको गुजारिश करूंगा। उसको समझिए कि भगवद गीता एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें आपको हर प्रकार का मैनेजमेंट समझ में आता है। कई लोग उसको धार्मिक पुस्तक समझते हैं, मैं उनसे प्रार्थना करूंगा थोड़ी देर के लिए इस विचार को जरा साइड में नहीं रखेंगे तो आपको लाभ नहीं मिलेगा जीवन में। क्या मेरी बात समझ आ रही है? यस नो? कई बार लोग सरदारों का मजाक उड़ाते हैं, सरदार जी 12 बज गए, सरदार जी 12 बज गए, सरदार तुम्हारे 12 बज गए, चुटकुला सुनाते हैं, लेकिन ये बदतमीजी के पहले उनको ये मालूम नहीं कि 12 बजने के पीछे एक्चुअली कहानी क्या है। नादिर शाह जो कि इन्वेडर था 1737 में, और नादिर शाह ईरान की तरफ से भारत में प्रवेश किया था, उस समय पंजाब पार करते हुए दिल्ली में आ गया था, और दिल्ली में मुगलों को कमजोर देख करके नादिर शाह ने इन्वेजन चालू किया और हमारी औरतों को, हमारे पैसे को, धन को लूट के ले जाया करता था। सेना बहुत बड़ी थी, सिख कम्युनिटी बहुत छोटी थी उस समय, पर सिख कम्युनिटी ने क्या किया, वो जानते थे कि नादिर शाह की कमजोरी क्या है, ये शराबी है, ये कबाबी है, ये औरतों की संगत करता है, इनकी पूरी टीम ऐसी है। तो रात को मध्य रात्रि के अंदर सारे सिख छोटी सी अपनी टीम बना करके गोरिल्ला वॉरफेयर के द्वारा नादिर शाह की टीम को रोज रात को उखाड़ते थे, रोज रात को उनको ठोकते थे, अपनी औरतों को बचा कर लेके आते थे। पूरे भारतवर्ष को धन्यवाद करना चाहिए सिख कौम को केवल इस बात के लिए कि उन्होंने हमारी संस्कृति और हमारे परिवारों को बचाया, बजाय के चुटकुला सुनाने के। दुर्योधन को चाहिए था ये बजाय कहने के पश्यताम पांडुपुत्राणाम, उसको पता करना चाहिए था कि गुरुदेव क्या कमियां हैं सामने वाले की, जैसे सिख कौम ने उनकी कमियों को देख करके वहां जाके गोरिल्ला वॉरफेयर से उन पर अटैक किया। अरे पिक्चरों में पुरानी देखते आ रहे हैं कि विलन बोलता है तेरी माँ मेरे कब्जे में है, तेरी प्रेमिका मेरे कब्जे में है, वो भी जाकर के हीरो की कमजोरी को पकड़ लेता था विलन, और वहां से पिक्चर का जो है यूटर्न आता था। उसके बाद अपन देखते थे वहां पे मूवीज के अंदर, चक दे इंडिया मूवी देखो, सुल्तान मूवी देखो, दंगल मूवी देखो, हर मूवी में दिखाया गया है कि लास्ट में सेमीफाइनल फाइनल राउंड से पहले वो सामने वाले की वीकनेस को पकड़ते थे। आज बिजनेस के अंदर आपको भी ये देखना है, इजीएस्ट
जानवर वही मारा जाता है जंगल में जो सबसे कमजोर होता है, पहला शिकार उसी का किया जाता है जो कभी नहीं बचता क्योंकि वो बहुत कमजोर रहता है। बीमारी भी आकर के वही अटैक करेगी जब जो शरीर कमजोर होगा, जो शरीर का अंग कमजोर होगा। इसलिए सामने वाले को ओवरवेलम कर दें अपनी स्पीड और अपनी एक सडननेस के द्वारा, अगर उसकी तैयारी के साथ दुर्योधन जाता है बजाय कि अपनी टीम का उत्साह गिरा करके वो जा रहा है। पांडवों की सबसे बड़ी कमजोरी क्या है? पांडव कौन सी शास्त्र विद्या और शस्त्र विद्या नहीं जानते हैं? पांडवों को किस चीज से डर लगता है? पांडवों को अगर मैं अटैक करूंगा तो वो कैसे रिएक्ट करेंगे? हे गुरु द्रोण, ऐसी वो कौन सी कमजोर एरिया है, उसको क्या बोलते हैं? बिलो द बेली, अंडर द बेली। ये अंडर बेली क्या एक कहावत है? सबसे कमजोर इलाका, सबसे कमजोर इलाका। क्योंकि एक पुरुष के लिए जेनिटल्स एक ऐसा कमजोर इलाका होता है जिसके कारण ये अंडर बेली नाम की कहावत ही पैदा हो गई, जो कहावत ही बन गई इस बात के लिए। वो कौन सी कला में हमसे बेहतर है, वो कौन सी कला में हमसे बदतर है, हम कौन सी कला में उनसे बेहतर है? एक्सपोज करो और अटैक करो कॉम्पिटिशन की वीकनेस को लगातार ठोक के। उनकी सेना में सबसे कमजोर इलाका कौन सा है जो उनकी अरेंजमेंट में जहां से हम अटैक करके जाएं? चूंकि परिधि से अटैक करेंगे, बीच में नहीं करेंगे। ये दुर्योधन को तैयारी करनी चाहिए थी। दुर्योधन को वो मिलिट्री सीक्रेट पता करने चाहिए थे जो पांडवों के पास अभी भी नहीं है। दुर्योधन को ये सोचना चाहिए था कि अगर ये जीत के नजदीक होंगे तो क्या करेंगे, या हार के नजदीक होंगे तो क्या करेंगे, इनके पास कौन से रिसोर्सेज अभी भी कम है और हमारे पास कौन से रिसोर्स अभी भी ज्यादा है। अपनी स्ट्रेंथ और सामने वाले की वीकनेस को आमने सामने ले आओ। चाणक्य पंडित इसीलिए कहते हैं कि अपनी कमजोरी का किसी भी हालत में कभी भी किसी को पता नहीं लगने देना। विवेक ओबेरॉय हमारे मित्र हैं, उन्होंने एक सीरीज लेकर के आए थे कुछ क्रिकेट के ऊपर, बैटिंग होती थी, इनसाइड एज, थैंक यू। वो इनसाइड एज की सीरीज मैंने विवेक के कहने पे फास्ट ट्रैक पे देखी। विवेक भाई को हम बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, प्यार करते हैं, वरना मैं कोई ओटीटी सीरीज नहीं देखता। और मैं उनके साथ दुबई में बैठा था, मैंने उनको कहा कि इनसाइड एज में एक ही लर्निंग है जो जिंदगी भर छाप लेना। बोले क्या विवेक भाई? मैं कहा इनसाइड एज सीरीज की एक ही लर्निंग है, आपके हर एपिसोड में एक ना एक आदमी ठुका है, वो इसी कारण उसकी पिटाई हुई है क्योंकि दूसरे को उसकी कमजोरी पता लग गई थी। किसी को उसकी सेक्स की कमजोरी पता लगी, किसी को चोरी की, किसी को टैक्स इवेजन की, किसी को इंटरनेशनल फ्रॉड की। जब जब कमजोरी पता चला, चाणक्य पंडित ने क्या किया? वही किया कि जब नंदा साम्राज्य को समाप्त करना था चाणक्य पंडित को और मौर्य साम्राज्य की स्थापना करनी थी। क्या था ये मौर्य साम्राज्य? मूरा माँ का नाम था और मूरा के बेटे का नाम था चंदू, और मूरा के नाम होने के कारण उस साम्राज्य का नाम रखा गया मौर्य डायनेस्टी। पर क्या किया? सेना नहीं थी, छोटी छोटी बच्चियों को हल्का हल्का जहर दिया, उनको ट्रेन किया, पूरी जिंदगी थोड़ा थोड़ा जहर देते रहे उनको और उनको ट्रेन करते रहे और उनको विषकन्या बनाया। और ऐसी राजाओं के पास में जब वो रात्रि में उनका चुंबन लेने जाती थी और वो विषकन्या अपने चुंबन से उनका वध करके आ जाती थी। तो उन्होंने हमेशा इन कमजोरियों को देखा, अगर अपनी ताकत और अपनी कमजोरी, कॉम्पिटिटर की ताकत और कॉम्पिटिटर की कमजोरी, बस ये दो बातें समझ गए तो 100 बार भी युद्ध में उतर जाना, 100 के 100 बार आपकी जीत होगी। आसानी से आप डिस्ट्रैक्ट कर पाओगे अपने ओपोनेंट को। पर दुर्योधन की ये गलती थी। दुर्योधन क्या बोले? पश्यताम पांडुपुत्राणाम आचार्यम महतीम चमु। बस वो इसी में फंस गए। देखो सामने दृष्टद्युम्न, आपके द्वारा ट्रेंड, कोई बात नहीं, दृष्टद्युम्न को आपने ट्रेनिंग दिया है, आचार्य कोई ऐसी भी तो ट्रेनिंग होगी जो दृष्टद्युम्न आपसे लेने आए थे पर उस दिन छुट्टी मार गए। आचार्य कोई ऐसी भी तो ट्रेनिंग होगी कि उस दिन दृष्टद्युम्न डिजिटल ट्रेनिंग ले रहे थे, ध्यान से नहीं अटेंड किया। आचार्य कुछ तो ऐसा बचा होगा दृष्टद्युम्न के जीवन में जो उसको नहीं मालूम, वो हमको बता दीजिए। जिस दिन आपका ध्यान वहां से भटका या जिस दिन वो बीमार पड़ गया, उस दिन उसका कॉम्प ऑफ था, लीव थी, अर्न लीव थी, 15 अगस्त की छुट्टी थी, कुछ तो थी। एक बिजनेस पर्सपेक्टिव से भी हर एनिमी का एक व्यू पॉइंट होता है कस्टमर को लेकर के। फोरकास्ट करो कि कॉम्पिटिशन क्या करेगा, सामने वाला वो कैसे रिएक्ट करेगा अलग अलग परिस्थितियों के अंदर, वो आपका शॉर्टेस्ट रूट टू विक्ट्री होगा। हमेशा याद रखिए कि आपको ये जो अंडर बेली की कहावत है, ये अंडर बेली की कहावत यहां पे बहुत समझने वाली कहावत है। मेरा यहां पे मानना है कि पर्शियन साम्राज्य, रोमन साम्राज्य, भारत का साम्राज्य, ये सारे के सारे शासक और शासन समाप्त हुए क्योंकि हर एक को किसी ना किसी की कमजोरी पता लग गई थी। किसी की कमजोरी थी वीक सक्सेसर या वीक डाउन लाइन, किसी की कमजोरी थी वीक इंटरनेशनल स्ट्रेटेजिक अलायंसेस, किसी की कमजोरी थी कि बहुत बड़ा वास्ट एम्पायर था इसलिए अनकंट्रोल्ड और डिस्ट्रैक्टेड एम्पायर हो गया था, किसी की कमी थी इंटरनल रिवोल्ट, अपनी सेना के भीतर ही कुछ ना कुछ फूट बढ़ती चली जा रही थी जिससे वो समाप्त हो गए, किसी की कमी थी कि उनका यूनिटी ऑफ कमांड नहीं था, और किसी की कमी थी कि उनके इंडिपेंडेंट नॉन अलाइंड इंडिपेंडेंट प्रोविंसेस थे। कई राजाओं ने ऐसा किया, अकबर ने भी ऐसा ही किया था,
अकबर जीतते थे एक शासक को, उसी को शासक बनाते थे, वो उसको इंडिपेंडेंट करते थे. लेकिन अगर वो नॉन अलाइंड हो गया तो इंडिपेंडेंट आदमी कॉम्पिटिशन को ज्वाइन कर सकता है जाके. डाउनफॉल ऑफ मुगल एम्पायर क्यों हुआ था? इसकी शुरुआत हुई थी जब पहली बार सूरत के अंदर एक ब्रिटिशर टीम यहां पे आई थी. और कौन आए थे? विलियम हॉकिंस. और विलियम हॉकिंस ने आगे पहली रिश्वत जहांगीर को दी थी सूरत के अंदर टेक्सटाइल इंडस्ट्री सेटअप करने के लिए. जो गुजराती लोग हैं जान लीजिए, पहली बार अंग्रेज सूरत में आए थे टेक्सटाइल इंडस्ट्री लेकर के. और वहां विलियम हॉकिंस आए थे और उन्होंने जहांगीर को रिश्वत दी, वहां से उन्होंने एंट्री करी. ऐसे ही हर बार हुआ है. सबसे बड़ा मंत्र यही है कि आपको सिनेरियो एनालिसिस करना चाहिए, जो कई बार आप मिस कर जाते हैं. एक अटैक प्लान हमारे क्या हो सकते हैं, अलग अलग हाई डिग्री ऑफ सक्सेस मुझे कहां से मिल सकती है. बाय द वे, एक और इसका बड़ा अच्छा तरीका है जो एक्शन में हाथ आगे लाए. गीता इन, आपको कॉम्पिटिशन को पहचानना है तो उनके रिव्यूज देखने चले जाओ, उनके मोबाइल ऐप स्टोर पे चले जाओ, उनके फेसबुक पे चले जाओ, उनके रिव्यूज जाकर के देखो कि रिव्यूज में कौन सी अच्छी चीज है जो बार बार छूट रही है और कौन सी बुरी चीज है जो बार बार दिख रही है. One more time, come on. कौन सी अच्छी चीज है जो बार बार छूट रही है और कौन सी बुरी चीज है जो बार बार, इससे ये पता चल जाएगा उनकी वीकनेस क्या है, कि ये अच्छाई आ नहीं रही है यानी कि कमजोरी है, और ये कमजोरी बार बार दिख रही है यानी कि ये कमजोरी है. और केवल उन्हीं साइट से ही आपको स्क्रूटनाइज करेंगे उनके रिव्यूज को, तो आइडिया मिल जाएगा. और तभी आप कॉम्पिटिशन को समझ करके उसकी वीकनेस को अपनी एडवांटेज बना सकते हो, बजाय के दुर्योधन की तरह केवल ताना मारते रहना और टीम को की स्ट्रेंथ को स्वॉट एनालिसिस शुरुआत में न करना, जिसके कारण द्रोणाचार्य गुरु द्रोण जो उनके गुरु हैं, जिनसे चर्चा कैसे की जानी चाहिए. अगले एपिसोड में हम दुर्योधन मेंटालिटी को और डिटेल में समझेंगे. ये भगवद गीता इन एक्शन, गीता इन एक्शन ये एक ऐसी सीरीज है जो हर व्यक्ति को सारे के सारे एपिसोड आकर के जरूर देखने चाहिए. अपनी जिंदगी का समय निकाल करके देखिए, वो बुद्धि का धन उसके अंदर मिलेगा जो आपको पूरी पृथ्वी पर सारे के सारे शस्त्र शास्त्रों में और सारी किसी भी प्रकार की किताबों में अगर एक साथ चाहिए तो एक जगह भगवद गीता में मिल सकता है, जिसको हम प्रयास करेंगे अपनी सीमित बुद्धि के द्वारा कि आपके सामने ला करके साधारण भाषा में प्रस्तुत करें, ताकि आपके लिए आसानी हो उस गीता को समझना. जो संस्कृत नहीं समझ सकते अब उनके लिए भी आसान होगा कि वो आकर के गीता इन एक्शन सीरीज साथ में भगवद गीता को समझ सकेंगे. मेरी इच्छा है ये गीता इन एक्शन सीरीज सब तक पहुंचे. हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, इस एपिसोड को ध्यानपूर्वक आके अटेंड करने के लिए आप सबका हृदय की गहराई से प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद.